दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा किन किन डिवाइस को नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिले हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और अब रेगुलर वीडियो आएंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आप सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइस को अपडेट मिला है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो देखने। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस डिवाइस को अपडेट मिला हुआ है। तो पहले अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं वनवी 5.1 है और ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के लिए है। और उसको बनी हुआ 5.1 का अपडेट के साथ मार्च का सिक्योरिटी पैट मिल चुका है, तो कुछ इस तरह से है। और आगे अपडेट की अगर हम बात तो वो सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite के लिए है। और S10 Lite अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का, काफ़ी पुराना डिवाइस है और सैमसंग फिर भी इसको अपडेट दे रहा है। आप देख सकते हैं सैमसंग S10 Lite रिसीव बनी हुआ 5.1 का अपडेट इसमें आ चुका है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद क्या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus का बैटरी बैक स्क्रीन ऑन टाइम क्या है। तो आप अपने हिसाब से ऊपर देख सकते हैं, ये मेरे डिवाइस का है और इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम 5 आवर 36 मिनट है और स्क्रीन ऑफ टाइम 6 आवर 47 मिनट है। तो आप यह मोटा लगा सकते हैं और 5.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। और दोस्तों इसमें एक बात और है, इसमें WQHD मतलब जो उसका जो हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है तो आप वो उसमें लगा के यूज़ किया है मैंने, ना कि Full HD। और तो आप देख सकते हैं काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे, उनके लिए बता दूँ इसमें 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। और 120 Hz से यूज करोगे अगर आप, तो मैंने यूज़ किया हुआ है तो उससे आप कम से कम 1 घंटा माइनस कर दो तो 4.5 के समथिंग आपको मिल जाएगा 120 Hz। और Full HD का आप यूज करते हैं तो दोस्तों ये अपडेट है। और अगले अपडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम 8 आवर 30 मिनट और कुछ इस तरह से है। तो 45% बैटरी है तो आप देख सकते हैं इसको। और ये जो अपडेट है दोस्तों स्क्रीन ऑन टाइम, ये सैमसंग गैलेक्सी A52s के लिए है। और अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी A52s यूज़ कर रहे हो तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अगर फ्यूचर में प्लान रहा तो मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा। मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और सेकंड हैंड अगर 14 से 15 हज़ार के बीच में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। 5G 778 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मिल जाता है, 120 Hz AMOLED डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है विथ OIS, तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। तो अगर फ्यूचर में रहा तो इसको ज़रूर बाय करूँगा मैं। तो आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे अपडेट। अगर दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो फोल्ड 4 के लिए आ रही है। आप देख सकते हैं इसको 1 अप्रैल 2023 का अपडेट मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बनी हुआ 5.1 का अपडेट है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो आप देख सकते हैं अगर आप फोल्ड 4 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अपडेट कर लीजिए, इसमें नया अपडेट आया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 के लिए एक अपडेट है जो कि सिक्योरिटी पैच है। आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है 11/4/2023, तो अप्रैल का इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। अगर आप M11 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डिवाइस को जाके अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। दोस्तों अगर अगले अपडेट की बात करें तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 के लिए, S23 Plus के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर इसमें 1 अप्रैल 2023 का अपडेट मिल चुका है। और अपडेट की अगर हम बात करें तो पर हैंड 1665 1665 का अपडेट इसमें मिल चुका है और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अपडेट के मामले में दोस्तों मुझे सैमसंग सबसे बेस्ट लगता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो सबसे अच्छा है। इसमें अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलते रहते हैं तो ये अच्छी बात है। तो 1 लाख सैमसंग के लिए ज़रूर बनता है अगर आप सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले अपडेट की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बनी हुआ 5.1 के लिए है और ये सैमसंग गैलेक्सी F62 के लिए है। अगर आप सैमसंग F62 यूज कर रहे हैं तो उसमें बनी हुई 5.0 का अपडेट आ चुका है इंडिया में, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो।
काफ़ी अच्छा डिवाइस है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। बस उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो थोड़ा थिक ज़्यादा है, वरना बैटरी बैकअप वगैरह डिस्प्ले वाइज और सिंगल स्पीकर है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, ज़्यादा लाउड नहीं है, बाकी सब एकदम मस्त है। मैंने इसको यूज़ किया है, बैटरी वाइज तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा डिवाइस है अगर आप यूज़ करते हैं। इसमें नया अपडेट भी आ चुका है वन यू आई 5.1 का, तो उसमें कई फीचर हैं जो कि ऐड किए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो सैमसंग गैलेक्सी A51 के लिए आ रही है, और उसको भी बनी हुई 5.1 का अपडेट मिल चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और अगर आप यूज़ करते हैं A51, काफ़ी ओल्ड मॉडल है, लाइक 2022, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा एडवाइस है, अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51, तो उसके लिए बनी हुई 5.1 का अपडेट मिल चुका है, आप अपने डिवाइस को जाके अपडेट कर लीजिए। तो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपडेट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर दोस्तों अगले अपडेट की हम बात करें तो वो सैमसंग गैलेक्सी A54 के लिए आ रही है, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SM-A546E। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ अपडेट साइज़ भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 1 अप्रैल का इसमें अपडेट दे दिया गया है, अप्रैल के महीने का, तो काफ़ी लेटेस्ट है। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छा डिवाइस है, पर थोड़ा ओवर प्राइस है, तो उसको भी इसमें अपडेट मिल चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A54 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा है हैंडसेट डज नॉट सपोर्ट 5G, ठीक है, कुछ इस तरह से है। और अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ सामने तो 5G लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 96% बैटरी चलता है, तो यहाँ 5G आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A22 5G है, जो कि यहाँ का नहीं है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वर्जन है, और उसमें 5G चल रहा है, और पता नहीं दोस्तों ये कैसे वर्क कर रहा है, मैं समझ नहीं पाया, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने आपको बता दिया। और फिलहाल मैं भी सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus 5G यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे में नहीं चल रहा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ट्राई करके, मैं अभी दूसरे लोकेशन पर हूँ, मैं आपको बता दूँ, और इसलिए दोस्तों वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो रहा हूँ, तो कुछ दिनों से वीडियो आफ्टर 10 डेज़ के बाद ये वीडियो आ रही है, 10-11, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वेडनेसडे आज 12 अप्रैल, और मैं आपको दिखा दूं, या मैं आपको इंटरनेट ऑन करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मेरा इंटरनेट ऑन हो चुका है, LTE लिखा हुआ आ रहा है, मैं कनेक्शन में गया मोबाइल नेटवर्क, और यहाँ देख सकते हैं आप 5G ऑटो कनेक्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 5G नहीं चल रहा है, LTE ओनली लिखा हुआ आ रहा है। और आप अगर आप ऐसा बोलें कि मेरे एरिया में 5G नहीं चल रहा, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास M32 मोबाइल था, 5G मैंने 5G के लिए लिया हुआ था, वो तो थोड़ा मदरबोर्ड उसका ख़राब हो गया। अब वीडियो में देख सकते हैं मेरे एरिया में, मैं फ़िलहाल ग्वालियर से हूँ मध्य प्रदेश, तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ 5G प्रॉपर वर्क कर रहा है, मेरे दोस्तों को भी, लेकिन मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, मेरा 5G ऑटो कनेक्ट है। और सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको दिखा सकता हूँ अभी जाके सेटिंग में जाके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और बनी हुई 5.1 एंड्रॉइड 13 अपडेट है, सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं 1 मार्च 2023 का है, और कुछ इस तरह से है। आप मॉडल नंबर भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे G986W, ये कैनेडा का वर्जन है S20 Plus 5G, और दोस्तों इसमें 5G नहीं चल रहा है, तो दोस्तों पता नहीं क्यों, और एक दोस्त ने भी भेजा था, आपने देखा वीडियो में, उसमें तो चल रहा था, तो आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा मेरे में। और आगे भी दोस्तों आपको अगर कोई ऐसी अपडेट होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।